भारतीय संविधान को जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तब इसमें 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हैं। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें विश्व के कई देशों से अलग अलग और सर्वश्रेष्ठ कानूनी प्रावधान, नियम, व्यवस्थाएं और अधिकार शामिल हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में भारतीय संघ के घटक राज्यों, 28 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश और 8 क्षेत्रों का उल्लेख है। भारतीय संविधान के 62वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। भारतीय संविधान की द्वितीय अनुसूची में भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। भारतीय संविधान की पांचवी अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। और भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। संघ सूची, इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है और राज्य सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। समवर्ती सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकारें कानून बना सकती है, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से आठवीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 1967 ईस्वी में सिंधी को और 1992 ईस्वी में कोकनी, मणिपुरी तथा नेपाली को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया। 2004 ईस्वी में मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया था। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में संविधान में यह अनुसूची प्रारूप संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा जोड़ी गई। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। संविधान में 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, यह अनुसूची 52वें संशोधन 1985 ईस्वी के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची, यह अनुसूची 73वें संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची, इस अनुसूची को 74वें संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं।